जबलपुर में कोरोना संक्रमणों का आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है, तो वहीं कोरोना से जान गंवाने वालों का आंकड़ा भी 100 के पार पहुंच गया है। वहीं इसी बीच एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है, जिसमें मेडिकल अस्पताल के डॉक्टरों के द्वारा ऑक्सीजन न देने के कारण एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। तो वहीं मृतक की पत्नी का कहना है कि उसके पति को कोरोना के लक्षण नहीं थे, जिसके बावजूद भी मरीज को एडमिट किया गया था। तो वहीं मृतक की पत्नी ने मदद की गुहार लगाते हुए अस्पताल प्रबंधक के ऊपर कार्यवाही की मांग की है। मैं मिसेस नेहा आशीष तिवारी, वो आशीष तिवारी जिसकी जान हॉस्पिटल की लापरवाही की वजह से चली गई। आज 10 दिन हो गए इस बात को, अब जाके हिम्मत आई कि मैं आप लोगों को बता पाऊँ कि उनके साथ क्या हुआ था। कुछ नहीं था, उन्हें नॉर्मल फ्लू था, जिसकी मेडिसिन वो पीसीजन डॉक्टर से ले रहे थे। ट्रीटमेंट चल रहा था उनका, संडे का दिन था, डॉक्टर अवेलेबल नहीं थे, इसलिए उन्होंने अपने भाई से कहा कि मुझे सांस लेने में तकलीफ हो रही, मुझे हॉस्पिटल ले चलो। मेट्रो हॉस्पिटल लेकर गए, उन्होंने एक्सरे किया, बताया कि इन्हें निमोनिया है जो कि ज़्यादा बढ़ गया है, आप इन्हें मेडिकल ले जाओ। उन्होंने कहा एडमिट कर लो, एडमिट नहीं किए, ऑक्सीजन नहीं दिया, कोई ट्रीटमेंट ही नहीं किया। उसके बाद एम्बुलेंस में इन्हें मेडिकल लेकर गए, मेडिकल में इन्हें एडमिट किया, ट्रीटमेंट करना स्टार्ट किए, अंदर जाने नहीं दे रहे थे, प्रोवाइड किया ऑक्सीजन। उसके बाद इन्हें अच्छा लगने लगा, इन्होंने अपने भाई से बोला भी कि अब मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे खाना दे दो, खाना खाए भी। उसके बाद मुझे फ़ोन किया, 11:32 पर उनने मुझसे बात की, जो कि बिल्कुल नॉर्मल बात की। उसके बाद अपने भाई से बोला कि घर से मेरे लिए लोअर ले आओ। उनके भाई हॉस्पिटल से नीचे उतरे हैं, थोड़ी दूर गए हैं, उसके बाद हॉस्पिटल से कॉल आ गया 11:38 पर कि आपके भाई 10 मिनट ज़िंदा रहेंगे। आप लोग बता सकते हैं इतने बीच में क्या हुआ होगा? हमें बाद में वहाँ से लोगों से पता चला कि उन्हें ऑक्सीजन नहीं दी गई, वो अपने लिए लड़े भी कि ऑक्सीजन की ज़रूरत है, लेकिन किसी ने उन्हें ऑक्सीजन नहीं दी। जब वो हार गए तब डॉक्टरों ने फ़ोन किया कि अब कुछ नहीं हो सकता। क्यों? प्राइवेट हॉस्पिटल ले नहीं रहे हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वेंटिलेटर की सुविधा भी नहीं है, ऑक्सीजन भी नहीं है। मैं नहीं कह रही कि सारे हॉस्पिटल एक जैसे हैं, सारे डॉक्टर एक जैसे हैं, लेकिन जिनने इनका ट्रीटमेंट किया, जो डॉक्टर थे उस समय, मुझे उस डॉक्टर पर केस करना है। मैं चाहती हूँ कि आप लोग मेरा साथ दें। कुछ नहीं था, कोविड नहीं था इन्हें, क्योंकि उसकी रिपोर्ट अभी तक आई ही नहीं है। हमने 10 दिन वेट किया, ना हमारा घर सील हुआ, ना हम लोगों का टेस्ट हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। मतलब इन लोगों ने टेस्ट किया ही नहीं, और अगर किया है तो रिपोर्ट कहाँ है? हमें रिपोर्ट चाहिए, रिपोर्ट नहीं दे रहे हैं। जब इनकी बॉडी उठाई तो वहाँ पे ग्लव्स नहीं पहने थे लोगों ने, मास्क नहीं लगाया था, तो फिर कैसे लोगों ने कह दिया कि इन्हें कोविड था? जिन लोगों ने ये बातें फैलाई है, मैं उन लोगों पर भी केस करूँगी कि कैसे बिना सबूत के इन्हें कह दिया कि इन्हें कोविड था। इन्हें कुछ नहीं था, अगर कोविड होता तो उस तरीके से बॉडी दी जाती, पर हॉस्पिटल वालों ने नॉर्मली बॉडी दी। आप बताइए क्या करना चाहिए मुझे, क्या करूं मैं? आप लोग वेट कर रहे हैं कि जब आप लोगों के साथ ऐसा होगा तब आप लड़ेंगे। हमें भी नहीं मालूम था कि जबलपुर में ऐसा हो रहा है, लेकिन जब हमारे साथ ऐसा हुआ तब हमें पता चला। 10 मिनट में हंसता बोलता इंसान चला गया, और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। एक परिवार उजड़ गया, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। हम लड़ रहे हैं, हमें सपोर्ट की ज़रूरत है, हमें जस्टिस चाहिए। आशीष तिवारी सबके लिए लड़ते थे, लेकिन आज उनके लिए अगर कोई खड़ा नहीं हुआ तो मैं अपने आप को माफ़ नहीं कर पाऊँगी। मुझे जस्टिस चाहिए, मुझे वो डॉक्टर की डिग्री चाहिए जो उस समय वहाँ थे, जिन्होंने ट्रीटमेंट नहीं दिया। कुछ डॉक्टर हैं जिनका ईमान ज़िंदा है, ईमानदारी से काम कर रहे हैं, लेकिन मेडिकल कॉलेज में अभी ऐसा नहीं है। वहाँ पे अभी भी, उसके बाद भी लोगों की जान गई है, तो क्यों कोई एक्शन नहीं ले रहा है? मुझे जस्टिस चाहिए, मुझे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। प्लीज़ हेल्प कीजिए, सपोर्ट कीजिए, इस बात को बढ़ाइए। मुझे धरना नहीं चाहिए, मैं नहीं चाहती कि आप भीड़ जमा करो, नारेबाजी करो आशीष तिवारी के नाम, नहीं, ये सब मुझे नहीं चाहिए। मुझे भीड़ नहीं चाहिए, मुझे भरोसा चाहिए कि मुझे जस्टिस मिलेगा। बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है, जिन डॉक्टरों को कुछ दिन पहले हम लोग भगवान का दर्जा दे रहे थे, आज उन्हीं डॉक्टरों के हाथों जिस तरीके से हमारे एक युवा समाज से भी ब्राह्मण समाज की आशीष तिवारी की जान चली गई। आपने हाल ही में 2 दिन पहले उनकी पत्नी का भावुकतापूर्ण बयान देखा होगा कि उनके पति को कुछ नहीं था, बस नॉर्मल फ्लू था,
और उनको प्राइवेट हॉस्पिटलों में पैसे की व्यवस्था न होने के कारण उनको एडमिट नहीं किया गया, मेडिकल ले जाया गया तो ऑक्सीजन की कमी से, ऑक्सीजन के लिए आशीष तिवारी जूझते रहे, चिल्लाते रहे कि ऑक्सीजन दे दें, लेकिन महज कुछ ही मिनटों में उनकी जान चली गई। और यहाँ के जो जिम्मेदार डॉक्टर थे और अपने मेडिकल के CMHO, कल मीडिया बंधु ने जिस तरीके से देखा, आप लोग उनसे बयान लेने गए तो मुँह छुपाते हुए भाग गए। वो आशीष तिवारी की जान का जिम्मेदार हम CMHO को ही मानते हैं और हम कलेक्टर महोदय से मांग करते हैं, मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कलेक्टर महोदय के द्वारा कि शीघ्र से शीघ्र ऐसे संबंधित अधिकारियों को सस्पेंड करें और उनको जेल के पीछे भेजें, नहीं हम लोग उग्र आंदोलन करने में प्राप्त हुए थे। हमें कल जैसी सूचना मिली थी, मैंने कमिश्नर साहब को रिक्वेस्ट करके और जांच समिति गठित करवाई है जिसमें ADM रेंज के अधिकारी हैं और IAS अधिकारी हैं और साथ साथ में 2 सीनियर डॉक्टर्स भी हैं। पूरे तथ्यों की जांच की जाएगी और जांच करके ही आगे की समुचित कार्रवाई जो है, किसी गलती है तो समुचित कार्रवाई होगी। जो कोरोना काल के पहले थी उसका डिस्प्ले बकायदा करना पड़ेगा। तो अभी भी सर अधिकांश अस्पतालों में रेट लिस्ट सब देखने को नहीं मिल पा रही है, क्या इसका इंस्पेक्शन या किस प्रकार से कार्रवाई आगे करेंगे सर? हमने निर्देशित कर दिया है और सूचनाएँ जो हैं उनके पास में उपलब्ध है। यदि कोई उसका उपलब्धता का कार्रवाई नहीं कर सकता तो माननीय उच्च न्यायालय के पास भी जा सकता है और हमें भी लिखित में शिकायत कर सकता है। मेरे पास अभी तक 21 लिखित में शिकायत नहीं है।